अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इन फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो लेक्चर में स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स फ्रॉम माइनस पाई रेडियन टू पाई रेडियंस। वी नो दैट टेंजेंट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेंजेंट एक्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि टेंजेंट के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन आएगा तो वो नेगेटिव साइन जो है वो टेंजेंट के स्टार्ट पे आ जाएगा। एंड टेंजेंट पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेंजेंट एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है। जब हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल हो तो ये रेशियो जो है वो चेंज नहीं होती, ये एज इट इज़ ही रहेगी। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम देखें पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट बनता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमारे पास जो टेंजेंट पाई माइनस एक्स है वो हमारे पास इक्वल होगा माइनस टेंजेंट एक्स के। सो द वैल्यूज ऑफ टेंजेंट एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कैन हेल्प अस इन मेकिंग द टेबल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये हमारे पास टेंजेंट का टेबल बनाने में हमारी हेल्प करेंगे और उसकी हेल्प से ही हम जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं, ऑल्सो वी नो दैट टेंजेंट एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर एक्स जो है वो, यानी एंगल जो है, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है, अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट करें या नेगेटिव 90 डिग्री पुट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो अनडिफाइंड होता है। यानी जो टेंजेंट है, टेंजेंट फंक्शन 90 पे और माइनस 90 पे अनडिफाइंड होता है। इसलिए स्टूडेंट्स, हम ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे चार इम्पॉर्टेंट बातें देखेंगे और फिर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम इन बातों को उस ग्राफ में भी अप्लाई करेंगे और वहाँ पे भी हम इन चार पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर वन है, व्हेन एक्स अप्रोचेज 90 पाई बाय टू या पाई बाय टू रेडियन फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज एक्स अप्रोचेस पाई बाय टू माइनस 90। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जब एक्स जो है 90 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 90 पाई बाय टू रेडियन माइनस 0। तो ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है कि एक्स जो है वो 90 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। टेन एक्स इंक्रीजेज इनडेफिनेटली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि जब भी x जो है वो 90 को या पाई बाय 2 रेडियन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इनडेफिनेटली इंक्रीज करेगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, x अप्रोचेस पाई बाय 2 रेडियन फ्रॉम राइट। जब x जो है वो 90 को राइट साइड से अप्रोच करेगा, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू प्लस 0। और इस पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स, फिर टैन का क्या बिहेवियर होगा, टेंजेंट एक्स इंक्रीजेस इनडेफिनेटली इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स, जब एक्स जो है वो 90 डिग्री को या पाई बाय टू रेडियंस को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट एक्स जो है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो यही बिहेवियर स्टूडेंट्स हम ग्राफ्स में भी देखेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, व्हेन एक्स अप्रोचेस माइनस पाई बाय टू रेडियंस फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब स्टूडेंट्स, पहले हमने पॉजिटिव 90 डिग्री की बात की है, अब हम नेगेटिव 90 डिग्री की बात करेंगे, चूंकि टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि जब एक्स अप्रोच करेगा माइनस पाई बाय टू रेडियंस को या माइनस 90 डिग्री को फ्रॉम लेफ्ट, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स अप्रोचेस टू माइनस पाई बाय टू रेडियंस माइनस 0। तो इस पे देखते हैं कि टेंजेंट एक्स का किस क्वाड्रेंट में क्या बिहेवियर होगा।
देन टेंजेंट एक्स इंक्रीजेस इनडेफिनेटली इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो स्टूडेंट्स जब एक्स अप्रोच करेगा माइनस पाई बाय टू रेडियन को लेफ्ट साइड से तो टेंजेंट एक्स जो है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. पॉइंट नंबर फोर हमारे पास है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू माइनस पाई बाय टू फ्रॉम राइट दैट इज एक्स अप्रोचेस टू माइनस पाई बाय टू प्लस जीरो. तो इस पे देखते हैं कि टेंजेंट का फिर क्या बिहेवियर होगा. देन टेंजेंट एक्स इंक्रीजेज इनडेफिनेटली इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये स्टूडेंट्स चीज़ें हम ग्राफ में भी ऑब्जर्व करेंगे. पॉइंट नंबर फोर में हमने देखा कि जब x माइनस पाई बाय टू को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो टेंजेंट x इनडेफिनेटली इंक्रीज करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टेंजेंट x है टेंजेंट x का जो पीरियड है वो पाई रेडियन होता है. तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ जो है वो माइनस पाई रेडियन से पाई रेडियन पे ड्रॉ करने के लिए हम माइनस 180 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री तक इसका टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक्स की वैल्यूज यानी एंगल्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट की वैल्यूज आएंगी उनको लिखेंगे. तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल बना लिया है जिसमें हमने 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ एंगल लिए हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 0 डिग्री 30 डिग्री 60 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास 90 डिग्री माइनस 0 है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब x जो है वो 90 डिग्री को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा और इसी तरह से यहाँ पे 90 डिग्री को जब राइट साइड से अप्रोच करेगा x तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है 90 डिग्री प्लस 0 के साथ. नेक्स्ट 120 डिग्री 150 डिग्री और 180 डिग्री. इसी तरह से स्टूडेंट्स 30 के डिफरेंस के साथ हमने नेगेटिव साइड पे यानी जो नेगेटिव माइनस 30 इसके बाद माइनस 60 और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 90 एक्स जो है जब माइनस 90 को लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करेगा तो उसकी वैल्यूज हमने लिखी हैं माइनस 120 डिग्री माइनस 150 डिग्री और माइनस 180 डिग्री. और इन एंगल्स के अगेंस्ट हमारे पास जो टेंजेंट की वैल्यूज आई हैं हमने वो वैल्यूज भी लिख ली हैं. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम माइनस पाई रेडियन टू पाई रेडियन जो है वो टेंजेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ये स्टूडेंट्स हमने y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया फ्रॉम माइनस 180 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री. ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x फ्रॉम माइनस 180 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे अगर उन पॉइंट्स को अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि x अगर 90 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है देन tan x इंक्रीजेज इनडेफिनेटली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास पॉजिटिव 90 डिग्री है. तो जब x जो है वो इस 90 डिग्री को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है अगर हम देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड है. तो लेफ्ट साइड से जब 90 को अप्रोच करता है x तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनडेफिनेटली इंक्रीज करता है. इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था पॉइंट नंबर टू में कि जब x जो है वो 90 डिग्री को राइट साइड से अप्रोच करता है तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें x जब राइट साइड से अप्रोच करेगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इनडेफिनेटली इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस ग्राफ का बिहेवियर यहाँ पे देखें तो ये 90 डिग्री को जब राइट साइड से अप्रोच करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इनडेफिनेटली इंक्रीज करता है. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें पॉइंट नंबर थ्री में हमने देखा था कि जब माइनस 90 डिग्री को x लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 90 डिग्री है. x जो है वो माइनस 90 डिग्री को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस 90 डिग्री है और माइनस 90 डिग्री को जब x लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इनडेफिनेटली इंक्रीज करता है. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर फोर में हमने देखा था कि जब x
माइनस 90 डिग्री को या माइनस पाई बाय 2 रेडियंस को राइट साइड से अप्रोच करता है, अगर हम देखें तो जब राइट साइड से अप्रोच करेगा x माइनस 90 डिग्री को तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में इनडेफिनेटली इंक्रीज करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड होता है वो पाई रेडियंस होता है। तो ग्राफ को जब हम एक्स एक्सिस पे बोथ साइड पे एक्सटेंड करते हैं इन द सेम पैटर्न, तो हम देखते हैं कि इसका माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री ग्राफ किस तरह से बनता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसके पीरियड के अकॉर्डिंग जब हम इसका ग्राफ एक्सटेंड करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमारे पास इसका माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट एक्स का ग्राफ है फ्रॉम माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री। तो ये ग्राफ स्टूडेंट्स हमने सेम पैटर्न पे जो हमने माइनस 180 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री ग्राफ बनाया था और उसी पैटर्न पे हमने इसके पीरियड के अकॉर्डिंग जब इसका ग्राफ एक्सटेंड किया है बोथ एक्सिस पे तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स टेंजेंट एक्स का माइनस 2 पाई रेडियन टू 2 पाई रेडियन ग्राफ है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ड्रॉ करेंगे कोटेंजेंट एक्स का ग्राफ। ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स फ्रॉम माइनस पाई रेडियन टू पाई रेडियंस। स्टूडेंट्स वी नो दैट कोटेंजेंट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, यानी जब कोटेंजेंट के एंगल के साथ माइनस आएगा तो वो माइनस का साइन स्टार्ट पे आ जाएगा, इसलिए कोटेंजेंट माइनस एक्स जो है वो माइनस कॉट एक्स के इक्वल है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम कोटेंजेंट पाई माइनस एक्स की बात करें तो पाई स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे हमारे पास कोटेंजेंट एक्स ही आएगा। और नेक्स्ट अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स पाई माइनस एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोटेंजेंट रेशियो है वो नेगेटिव होती है, इसलिए हमारे पास इसका जो आंसर है वो माइनस कोटेंजेंट एक्स आएगा। सो द वैल्यूज ऑफ कॉट एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कैन हेल्प अस इन मेकिंग द टेबल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये बेसिक वैल्यूज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारी हेल्प करेंगी कोटेंजेंट का टेबल बनाने में और फिर उस टेबल की हेल्प से ही हम जो है वो कोटेंजेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोटेंजेंट फंक्शन है, कोटेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड होता है इसका पीरियड भी टेंजेंट की तरह पाई रेडियन ही होता है, तो इसका ग्राफ भी हम सिमिलर वे में जिस तरह से हमने टेंजेंट का ग्राफ बनाया उसी तरह से माइनस 180 डिग्री टू 180 डिग्री इसका टेबल बनाएंगे और जिस तरह से हमने टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था उसी तरह से इस फंक्शन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ और फिर उस टेबल की हेल्प से हम कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने कोटेंजेंट एक्स के लिए जो है वो टेबल ड्रॉ किया है और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने 30 के डिफरेंस के साथ जो है वो इस टेबल को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री पे जो कॉट की वैल्यू है 1.73 है, इसी तरह से 60 डिग्री पे 0.58 और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास है कि हमारे पास 90 डिग्री को जब एक्स लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है और जब राइट साइड से अप्रोच करता है तो किस तरह से ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनडेफिनेटली इंक्रीज करता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने बाकी एंगल्स पे भी इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री के डिफरेंस से ही वैल्यूज ली हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो माइनस 30 डिग्री, माइनस 60 डिग्री और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब माइनस 90 डिग्री को एक्स जो है वो लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करता है तो इसमें हमने देखा था कि ये किस तरह से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में इनडेफिनेटली इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है वो हम कोटेंजेंट का माइनस 180 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री तक की वैल्यूज के लिए हम इसका ग्राफ देखते हैं
और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x फ्रॉम माइनस 180 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमारे पास जो कोटेंजेंट फंक्शन है, कोटेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई रेडियन होता है, तो इसी पैटर्न पे स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ अगर एक्सटेंड करते हैं एक्स एक्सिस पे पाई रेडियन इंटरवल के साथ, तो हमारे पास सेम पैटर्न में ही इसका जो है वो ग्राफ बनता है। तो इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसका माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोटेंजेंट फंक्शन है इसका माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री तक का ग्राफ किस तरह से होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने कोटेंजेंट एक्स का जो ग्राफ था माइनस 180 डिग्री टू पॉजिटिव 180 डिग्री, उसको पाई रेडियन इंटरवल के साथ जो है वो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोथ साइड पे एक्सटेंड किया, तो ये हमारे पास कॉट एक्स का ग्राफ बना फ्रॉम माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे सीकेंट एक्स का ग्राफ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ड्रॉ करेंगे सीकेंट एक्स का ग्राफ। ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू सीकेंट एक्स फ्रॉम माइनस 2 पाई रेडियन टू 2 पाई रेडियन। तो अब स्टूडेंट्स हम सीकेंट एक्स का ग्राफ बनाएंगे फ्रॉम माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री। वी नो दैट सीकेंट माइनस एक्स इक्वल्स टू सीकेंट एक्स। तो स्टूडेंट्स सीकेंट के एंगल के साथ अगर माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह से कॉस का बिहेवियर है उसी तरह से इसके रेसिप्रोकल का बिहेवियर है, यानी अगर सीकेंट के एंगल के साथ माइनस का साइन आएगा तो वो माइनस का साइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी सीकेंट माइनस एक्स जो है वो सीकेंट एक्स के इक्वल है। एंड सीकेंट पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस सीकेंट एक्स। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है, पाई इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90, इसलिए इस रेशो को हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंट एक्स ही आएगा, और अगर हम इस नेगेटिव साइन की बात करें तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो सीकेंट रेशो है वो या सीकेंट फंक्शन है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सो द वैल्यूज ऑफ सीकेंट एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कैन हेल्प अस इन मेकिंग द फॉलोइंग टेबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स फॉर द इंटरवल ऑफ 0 टू 360 डिग्री। तो अभी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे 0 से 360 डिग्री तक, चूँकि सीकेंट एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसका 0 से 360 डिग्री तक यानी 0 से 2 पाई रेडियन इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, और उसी की हेल्प से जो है वो हम इसका जो नेगेटिव वैल्यू है यानी 0 से माइनस 2 पाई रेडियन जो है वो ग्राफ को उसी पैटर्न पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका 0 टू 360 डिग्री तक जो है वो टेबल ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री की के डिफरेंस के साथ, और फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ जो है वो सीकेंट एक्स के लिए टेबल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 90 को जब एक्स जो है वो लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करेगा, और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 120 डिग्री, 150 डिग्री, और इसी तरह से 30 के डिफरेंस के साथ हमने 360 डिग्री तक इसका टेबल ड्रॉ किया, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं सीकेंट एक्स की वो भी लिखी हैं। इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो सीकेंट फंक्शन है, सीकेंट फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, तो 2 पाई रेडियन पीरियड होने की वजह से हमारे पास इसका जो 0 से 360 डिग्री तक का ग्राफ बनेगा सेम पैटर्न पे हमारे पास इसके जो नेगेटिव साइड है यानी 0 से माइनस 2 पाई रेडियंस या माइनस 360 डिग्री तक भी उसी पैटर्न पे ग्राफ बनेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका माइनस 360 डिग्री टू 360 डिग्री ग्राफ। तो ये स्टूडेंट्स हमने
y is equals to secant x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया from minus 360 degree to positive 360 degree. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 30 के डिफरेंस के साथ इन वैल्यूज को लिया और हमने यहाँ पे secant फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे ग्राफ ऑफ cosecant फंक्शन. ग्राफ ऑफ y is equals to cosecant x from minus 2 pi radian to 2 pi radian, यानी minus 360 degree to positive 360 degree. We know that cosecant minus x equals to minus cosecant x. चूंकि students, cosecant के angle के साथ अगर minus sign है तो वो angle से, यानी वो trigonometric ratio से, यानी cosecant function से पहले आ जाएगा, यानी cosecant minus x जो है वो minus cosecant x के equal है. And cosecant pi minus x equals to cosecant x. तो यहाँ पे students अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास 90 का even multiple है, तो even multiple के केस में हमारी trigonometric ratio change नहीं होगी, यानी हमारे पास इसका cosecant x ही answer आएगा. और further students अगर हम देखें, pi minus x जो है वो second quadrant को represent कर रहा है, और second quadrant में जो cosecant function है वो positive होता है, इसलिए ये हमारे पास ratio positive आएगी. So the values of cosecant x for x equals to 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree can help us making the following table of ordered pairs for drawing the graph of y is equals to cosecant x for the interval of 0 degree to 360 degree. So ab students hum iska 30 degree ke difference ke sath jo hai wo table draw karte hain, aur हमारे पास जो cosecant function है इसका period जो है वो 2 pi radian होता है. तो इसकी वजह से students हमारे पास इसका जो graph 0 से positive 360 degree बनेगा, उसी pattern पे जो है वो हम negative side पे इसका graph draw कर सकते हैं. तो सबसे पहले students हम इसका 0 to 360 degree जो है वो table draw करते हैं, और फिर हम इसका graph draw करेंगे from minus 360 degree to positive 360 degree. तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है y is equals to cosecant x का from 0 degree to 360 degree, यानी 0 radian to 2 pi radian. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज की हेल्प से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो cosecant फंक्शन है इसका पीरियड 2 pi radian होता है, तो इजीली जो है वो हम इसका पे 0 के बोथ साइड पे, यानी माइनस 2 pi radian टू 2 pi radian इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है ऑफ y इज इक्वल्स टू secant x फ्रॉम माइनस 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 360 डिग्री है और ये हमारे पास पॉजिटिव 360 डिग्री है. तो ये स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू cosecant x का ग्राफ है फ्रॉम माइनस 2 pi radian टू पॉजिटिव 2 pi radian. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा. तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.